नमस्कार। आम देश और राज्य में कोरोना संक्रमण द्रुत गति में बढ़ुची। एभली परिस्थिति में संक्रमण को मात देवाई मास्क हेउची एक शक्तिशाली अस्त्र। आम आपण बारंबार अपील करुछु मास्क पिंधंतु। एही परिप्रेक्षी में न्यूज 18 आरंभ करिछि एक अभियान मास्क पिंधंतु। बुलेटिन आरंभ करिबा वर्तमान समय एक बड़ खबर। राज्यवासी को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वार्ता। कोरोना काल में बात्या मुकाबला राज्य पाई डबल चैलेंज। तेज यार मुकाबला राज्य सरकार पूरा प्रस्तुत थी मुख्यमंत्री कहते। बात्या आश्रयस्थल और पक्का घर भाई निरापद स्थान को जीवा परामर्श देते नवीन। कोविड दुई मस प्रशासन चापर अच्छी तेणु प्रशासन को सहयोग करने को लोक नवीन परामर्श देते। ओडिशार 4.5 कोटी लोक मो परिवार और बात्यार जमी कह जीवन नजीब से सरकार तत्पर थी मुख्यमंत्री। तेज जो आश्रय ने दुईट मास्क पिंधा को नवीन अनुरोध कर एसएचजी जरिया मास्क जोगाइबा सब् जिलापा निर्देश दि जाती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। प्रिय भाई भोनी माने नमस्कार। सारा मानव जाति वर्तमान एक कष्टकर समय दे गति करुछि। गत एक वर्षरु अधिक समय धरी कोविड विरोध रे हमर लड़ाई जारी रही। वर्तमान आहुरी एक विपद साइक्लोन यास आम पाई एक बड़ चैलेंज हो। एक समय रे दुई दुईटी बड़ विपद साइक्लोन और कोविड रो मुकाबला आम को करबा को हेबो। गत वर्ष मे मास रे मध्य आमे कोविड सह साइक्लोन अम्फान रो सामना करी थिले। आपन मान को सहयोग रे आमे सफलता सह से परिस्थिति रो मुकाबला करी थिले। बात्या ओडिशा पाई नुआ नुए तथापि आम को सावधान रहिबा को हेब। सामान्य हैला बड़ विपद सृष्टि करी पारे। सरकार बात्या और कोविड दुईटी जाक परिस्थिति रो मुकाबला पाई संपूर्ण प्रस्तुत अच्छा। आपण मानक सहयोग ही अमर प्रस्तुति को आहुरी मजबूत करिबो। 4.5 कोटी ओडिशावासी हेउछन्ति मोर परिवार। मोर परिवार रो निरापत्ता मो पाई सबुठारु बड़ प्राथमिकता। प्रत्येक लोग को निरापद स्थान रे पहुंचाइबा आमर लक्ष्य। तेणु मोर अनुरोध आपण माने समस्ते साइक्लोन शेल्टर तथा पक्का घर आदि निरापद स्थान को चली आसंतु। आपण जानती कोविड पाई प्रशासन गत 2 मास धरी चापर अच्छी। तेणु मोर अनुरोध बात्या मुकाबला पाई आपण माने इवैक्युएशन रे प्रशासन को पूरा सहयोग करंतु। जेहेतु एबे कोविड समय तेणु हमको अधिक सावधान होई काम करबाकु हेबो। मोर अनुरोध आपण माने साइक्लोन शेल्टर तथा पक्का घर जोठारे भी खातु दुईटी मास्क एक समय रे पिंधंतु। डबल विपद पाई डबल मास्क। वर्तमान परिस्थिति रे गोटे न दुईटी मास्क पिंधिबा आम स्वास्थ्य पाई खूब जरूरी। ता सहित बारंबार साबुन और सानिटाइजर रे हाथ मध्य धोंतु। साइक्लोन समय रे एवं साइक्लोन परे मध्य आमको कोविड पाई अधिक सावधान रहिबा को हेबो। आवश्यकता को देखी एसएचजी जरिया रे लोकों को मास्क जोगाइबा पाई मु कलेक्टर मानको निर्देश देछि। नेचुरल डिजास्टर समय रे उड़ीसा सबुबेले भलो काम करि आसीछि। एही विपद समय रे साधारण लोक तारु आरंभ करी पंचायत प्रतिनिधि माने ओ सिविल सोसाइटी रो बंधु माने समस्ते सरकार को पूरा सहयोग दे आसी। आमे समस्ते ए दुई विपद विरोध रे एकाठी लड़िबा और निश्चय जीतिबा ए विश्वास मोर रही। ए विपद समय रे आपण मानको मोर विनम्र अनुरोध आपण माने डबल मास्क पिंधंतु। साइक्लोन शेल्टर रे पिंधंतु
घरे भी पिंधतु साइक्लोन पर भी डबल मास्क पिंधा जारी रखत दुई लड़ाई रे विजय पाई प्रशासन को पूरा सहयोग जगह दिखा बंदे उत्कल जननी। मुख्यमंत्री गुरुत्वपूर्ण अपील जे वर्तमान समय जेहेतु कोरोना काल रही बात्या आसुची एणु कोरोना सहित बात्या दुईट चैलेंज सामना को आनी प्रथम लहर में मध्य अम्फान भली बात्या को मुकाबला करा वर्तमान द्वितीय लहर में कोरोनार बात्या यस को मुकाबला करने बड़ चैलेंज पलटि थबीर सामल आम डेप्युटी न्यूज एडिटर आम सह सीधा सड़क जोड़ी होती न्यूज रूम रु थबीर वर्तमान समय डबल चैलेंज हो जा प्रथम लहर में अम्फान कोरोना काल में होता है और द्वितीय लहर में यस जी आहुरी भीषण सामुद्रिक झड़ भाव सामना को आसुच ये वर्तमान प्रशासन सब बड़ चैलेंज की देखो जहाँ मुख्यमंत्री बार्ता रही राज्यवासी जहाँ अपील कर राज्यवासी को वर्तमान दुईट महामारी गोटे पटे कोविड अंपटे बात्या तेणु डबल विपद एणिक डबल मास्क पिंधा को राज्यवासी को अपील कर मुख्यमंत्री विशेषकर जब आप देखिए स्थानीय प्रशासन को वर्तमान मुकाबला और परिचालना गोटे बड़ दायित्व हम और बड़ चैलेंज हम विशेषकर जब आप देखिए जेहेतु कहुची चारोटी उपकूल जिला अधिक प्रभावित होवार आशंका रही जहाँ पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार सबुठ अधिक बालेश्वर जिला प्रभावित हो पाए तेणु यही दृष्टि राज्यवासी को जो अपील कर नवीन से दुई तीनो दिग उपर जथेष गुरुत्व दि जाए ओडापी बात्या नुआ नुहे विपर्य भी नुआ नुहे तेणु एक वर्ष भितर जब आप देखिए गत वर्ष ठीक अम्फन आसाला जहाँ को राज्य सरकार कोविड साग को परिचालना करते बर्तमान स्थित जब देखा तेल बर्तमान बात्या और कोविड ये दुईट जाक मुकबिला और परिचालना करने सरकार संपूर्ण भाव में प्रस्तुत अच्छा किंतु एथपाई जो मैंने प्रभावित हे प्रभावित जिलार लोकों सहयोग कामना कर राज्य सरकार विशेषकर जब आप देखिए जो मैंने स्थानातर हे एक निरापद स्थान को बात्या आश्रयस्थल को स्थानीय प्रशासन पक्षर मास्क बंटन होसएचजी मानक दायित्व दि जाए दुईट जेहेतु डबल विपद आसू तेणु डबल विपद को डबल मास्क पिंधा नवीन रिक्वेस्ट कर अनुरोध कर द्वारा द्वितीय अन्य एक जिनस देखिए जेहेतु काले कौन जगार सहयोग न मिल से मुख्यमंत्री कहते गत दुई मास धरी कोविड परिचालन रे स्थानीय प्रशासन चापरे अच्छी तेणु लोकों सहयोग बिना परिचालना संभवपर नुहे तेणु गोटे प्रकार बार्तार जब आप देखिए महामारी मुकाबला करने जो भाव में सामाजिक दूरता कहतु किंवा कोविड नियम को पालन करवा सांग को बात्या भली विपद को निज जीवन को बचाई को हेले निरापद स्थान को जीवा को गुरुत्व तेणु सामग्रिक भाव जब आप देखिए जेहेतु 26 तारीख में लैंडफल रोचे पूर्वर स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन एवं एसआरसी कार्यालय और राज्य सरकार निजे मॉनिटरी कर मुख्य शासन सचिव गोटेपटे प्रशासन सजग अच्छी अंपटे जो मैंने विपन्न व प्रभावित हे बात्या जो सेमानके किभली निरापद स्थान रहिबे ता उपरे राज्य सरकार गुरुत्व दैछन्ति निहाति भावरे तबिर गोटे कथा वर्तमान समय रे जे कोरोना काल रे जेतेबेले लोकंको स्थानांतरण करा जिवो एठी आउ गोटे दिग रहिबो कि जे लोकंकर सहयोगर कथा नवीन पटनायक आज अपील करूछन्ति जे माने होम आइसोलेशन रे अछन्ति जे माने कोरोना संक्रमित सही अंचल रे अछन्ति सेमानंको परिवार लोकंको सहयोग स्थानीय लोकंको सहयोग एकांत आवश्यक नहि कि देखो तो गोटे पटे सबुठ बड़ कथा हो जो लैंडफल कर तार प्रकोप एवं तार गति तार बेग एवं तार प्रभाव यही दिग जदि आप गुरुतर सहित ने क्यों अंचल के ब्लॉक गुड़िक संपूर्ण भाव में प्रभावित हम तार सेठाकार लोक स्थानांतर करवा गोटे बड़ चैलेंज द्वितीय कथा जेहेतु जो मैंने होम आइसोलेशन अच्छा से मू जगह ने निरापद स्थान नाई सेपरेट जगह को चिन्हट कर प्रशासन पक्षर एवं आवश्यक स्थले जो मैंने स्थानीय लोक अच्छा हूँ तो आंटीजेन टेस्ट रिपोर्ट अनुसार विभिन्न जगह बात्या आश्रय स्थल में रहा सुजोग दिजिव तेणु प्री साइक्लोन और पोस्ट साइक्लोन सब बड़े गोटे मेजर चैलेंज थाए स्थानीय प्रशासन पे कारण प्रथम लोक जीवन बचाव को उद्यम कर जो मैंने रही थे स्थानांतर ही से सुरक्षा देवा से खाद्यपेय व्यवस्था करवा से निरापद रखा पोस्ट साइक्लोन कथा जदि कहुए आउ एक चैलेंज हूँ युद्धकालीन भितर क्षय क्षति को आकलन करना करवा जब आप देखिए जिला प्रशासन पक्षर विभिन्न टीम सजग अच्छा स्थानीय प्रशासन और वरिष्ठ लेवल रे आईपीएस और आईएएस और विभिन्न इंजीनियर मानक दायित्व दि जाने गाइड करेंगे जिला प्रशासन को तेणु पोस्ट साइक्लोन रो सामना करवा परिचालना करवा और युद्धकालीन भितर स्वाभाविक स्थित को फेरवा ता संपूर्ण भाव सरकार और सरकार मेसीनरीज गुरुत्व रोचे दायित्व कितना पूर्व जदि आप देखिए
स्थानीय लोकंकर बिना सहयोग रे कोनोसी प्रकार स्थानांतर किंबा परिचालना संभव पर नहि तेणु राज्यवासी को मुख्यमंत्री निवेदन करिसंती एवं अनुरोध करिसंती एही ढांचा रे जे लोके सहयोग करंतु कारण ए होउची कष्टकर समय वर्तमान बात्या एवं पोस्ट साइक्लोन कथा जेते बेला आसुची हुए तो युद्धकालीन भित्तिर आमे बात्यार प्रभाव को एड़े देबा बा रास्ताघाट मरामती लाइट खुंट मरामती करि देबा किंतु नवीन आउ गोटे धाड़ी मध्य कहिछंती बात्या परे मध्य कोविड रहिबो एणु कोविड प्रति कोनोसी अवहेला जेमिति बात्या समय रे न हुए ताहा वर्तमान सबुठारु बड़ चैलेंज कि निश्चित भाव में जब आप देखिए जेहेतु बात्यार किसी जो लैंडफॉल रो 6 घंटा बा ता पर 6 घंटा जो भली भाव में किसी भी घटी पारे सब प्रकृति उपरे डिपेंड करती है सबू एवं यहाँ पर जदि कहा जाए ताहले बात्या छाड़गला बा पवन कमीगला से खाली गुरुत्व देले हबनी कारण कोविड वर्तमान महामारी रही थी यहाँ कोविड नियम को पालन करने प्रभावित जिलावासी नवीन अपील करती तेणु दुईटा जाक गोटे पटे डबल मास्क कथा कह डबल विपद परिचालना और लोकों सहयोग सांग को कोविड नियम कोलन करने मुख्यमंत्री अपील कर निहाती भाव में तेज गोटे कथा यार भितर कहुपे कोरोना काल में बात्या आसुची एवं अम्फान रु गोटे अभिज्ञता ओडिशा पाखे रही कहपर कि कहीं पूर्व फाइलिन हुडहुड अनेक बात्या तितली ये अनेक बात्या को ओडिशा सरकार मुकाबला सफलतार सह करु अम्फान और यस जहाँ आसुची कोविड काल में अम्फान अभिज्ञता वर्तमान सरकार प्रमुख अस्त्र कि प्राकृतिक विपर्यय ओडिशा पे नुआ नुहे कारण प्रतिवर्ष छोट छोट प्राकृतिक विपर्यय को ओडिशा सामना करिछि एवं परिचालना भी करिछि 2013 पाइलिन ठारु आरंभ करी आपण जहाँ कहते अम्फन कहतु तितली कहतु बुलबुल कहतु यही सब साइक्लोन को मैनेज करी सरकार प्रशंसा साउंटिंट अतीत किंतु गत वर्ष जब आप देखिए कोविड समय अम्फन आसला जदि यार प्रकोप एतटा ओडिशा उपर पड़ानी कारण वेस्ट बेंगल आड़क जहाँ सुंदरबन आड़क परवर्त पर्यायर तार प्रभाव अधिक देखा मिलता ओडिशा रे सामान्य दुई तीनो जिले में यार प्रभाव पड़ता वर्तमान स्थिति जदि कहुए जहाँ पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार जदि बालेश्वर को बालेश्वर आखपाखे जदि हिट करे ताहले संपूर्ण भाव में कोस्टल अंचल चारोटी जिला व्यापक प्रभाव पड़ो व्यापक क्षय क्षतिर अनुमान जदि IMD प्रेडिक्शन को अपेक्षा करेणु यह सब दृष्टि जदि देखा जाए तो पूर्व अभिज्ञता को पाथेय कर NDRF ODRAF अग्निशम बाहन स्थानीय प्रशासन मुकाबला और परिचालना अधिकारी मेसीनेरी प्रस्तुत अच्छा कि अंपटे एक बड़ चैलेंज हम महामारी जीवन बचाइवा और बात्यार कबल व पवन कबल जीवन सुरक्षित रखा ओके बहुत बहुत धन्यवाद थबीर आपंकर तमाम सूचना पर आम डेप्युटी न्यूज एडिटर थबीर सामल जहाँ सूचना देते वर्तमान समय मुख्यमंत्री जो सब अपील करोना काल में गोटे महामारी कोरोना रही आउ गोटे प्राकृतिक विपर्य बात्या भाव में सामना को आसुची एणु उभय को समांतराल भाव में सामना करने को पड़े एथ लोकों सहयोग और सचेतनता निहाती दरकार। सेपटे बात्या को नहीं केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कथा होती छड़ा से आंध्रप्रदेश और पश्चिमबंग मुख्यमंत्री सह भी कथा होती आंडामान और निकोबर द्वीपपुंज उपराज्यपाल कथा होती अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना होती बात्या यस रो मुकाबला रणनीति उद्धार संपर्क में गृहमंत्री विस्तृत आलोचना करथिबा जणापड़ी बैठक में विभिन्न विभाग अधिकारी उपस्थित थिले। बात्या संपर्क में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह कथा होती केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर धर्मेन्द्र कहते बात्या मुकाबला दिगरे सहायता केन्द्र गृहमंत्री प्रतिश्रुति देते विपत्ति समय ओडिशा सहित अच्छा केन्द्र सरकार ओडिशा को बात्या संपर्कित तो संपूर्ण सहयोग जोगाई दिजो ट्वीट में दर्शाई धर्मेन्द्र प्रशासन सतर्क सूचना मानवा लगी से राज्यवासी को परामर्श देते एथस बात्यार समस्त सुरक्षापी प्रभु श्री जगन्नाथों निकट में प्रार्थना कर माड़ आसुची बात्या बंगोपसगर में बड़ जुटाऊ सामुद्रिक घूर्णिझड़ यस महानिर्देशक IMD मृत्युंजय महापात्र आगामी 12 घंटे भयंकर सामुद्रिक झड़र रूप नेब यस 4 किलोमीटर बेगर समुद्र भितर आगौर घूर्णिझड़ यस पारादीप 520 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे रही बात्या बालेश्वर ठार् दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे 620 किलोमीटर दूरत वर्तमान यार अवस्थित रही मे 26 तारीख मध्याह्न सुधा पारादीप सगर द्वीप मध्य बात्या लैंडफल कर तेबे बालेश्वर पाखापाखी अंचल रे यह स्थलभाग छुईबार आशंका थिबा IMD पक्षरु सूचना दिया जाइछि।
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 155-165 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏମିତିକି ସର୍ବାଧିକ ପବନର ବେଗ 185 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ 2-4 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଉଠିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଖ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଉଠିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ଆଗକୁ ଗତି କଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପାରାଦୀପ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଧାମରା ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ 4 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ସବୁ ବର୍ଥରେ ଜାହାଜ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଙ୍କରେଜରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନିରାପଦ ଦୂରତାରେ ରହିବାକୁ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। अगला 12 घंटा में ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है, उसका बाद और भी 24 घंटा बाद में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। इसका अभी मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वर्ड ही रहेगा और 26 अर्ली मॉर्निंग्स में यह हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट का पास आ जाएगा और ये नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट बिटवीन हमारा पारादीप एंड सागर आइलैंड इसका बीच में अराउंड बालासोर एक क्रॉस करने का संभावना है अराउंड नून ऑफ 26। ये है हमारा अभी साइक्लोन यस का पोजीशन। इसका रिगार्डिंग जो हम लोग वार्निंग जारी किया है, फर्स्ट जो हैवी रेनफॉल वेरी हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का जो है आज हमारा कोस्टल एरिया उड़ीसा में सभी जगह में लगभग लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होगा। एक दो जगह में हैवी रेनफॉल हो सकता है कोस्टल उड़ीसा में, मेनली केंद्रपड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर कल हमारा रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होगा, इसमें कोस्टल उड़ीसा का बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, खोर्धा ये सब डिस्ट्रिक्ट में फ्यू प्लेसेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। इसका साथ मयूरभंज, ढेंकनाल, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में भी हैवी रेन का चांसेस है। फिर 26 में रेनफॉल एक्टिविटी और भी इंक्रीज होने का चांसेस है, इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का मीनिंग होता है 20 सेंटीमीटर और मोर 24 आवर्स में जो रेनफॉल टोटल होता है उसको एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कहते हैं। तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है, मेनली जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है इसमें बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केवंझर, ढेंकनाल और हैवी इस दिन हैवी रेनफॉल भी का चांसेस है अंगुल, देवगढ़, खुर्दा, पुरी, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर 27 को रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगा, इसमें इंटीरियर उड़ीसा में सुंदरगढ़, देवगढ़, केवंझर डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक दो जगह में जितेबले यहाँ उपकूल अतिक्रम करते पवन बेग 155-165 किलोमीटर प्रति घंटा एवं वेस्टर्न हिस्से 180-185 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे। 26 तारीख भोर समय ताने 25 तारीख मिडनाइट पर मध्यरात्र पर पवन बेग ओडिशा उपकूल निकट में अधिक बढ़ो जदिव आज 40-50 किलोमीटर बेगर पवन प्रवाहित हो पारे उपकूल निकटस्थ समुद्र उपरे या बढ़ी बढ़ी 25 तारीख मध्यरात्र पर 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा बेगर पवन प्रवाहित हो पारे ओडिशा उपकूल निकट में, उत्तर ओडिशा उपकूल निकट में पवन आधिक बढ़ी चलो एवं आम अनुमान करुचु ये जो पवन 155-165 किलोमीटर प्रति घंटा होबार रही ता उत्तर ओडिशा उपकूलवर्ती जिला विशेषतः बालेश्वर, भद्रक एवं केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर एरिया प्रवाहित हो पारे। या सहित जो खोर्धा, पुरी इत्यादि जिला जगतसिंहपुर जिला को लगिक रही पवन 90-120 किलोमीटर बेगर प्रवाहित हो पारे। ता तौक गंजाम, गजपति जो जिला रही है पवन 60-80 किलोमीटर बेगर प्रवाहित हो पारे। 2-4 मीटर उच्चतार सामुद्रिक लहरी मध्य आसीपे जिला मानक विशेषतः बालेश्वर, भद्रक जिले सामुद्रिक लहरी
ପାଖାପାଖି 2-4 meter ଉଚ୍ଚତାରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। बात्या पूर्व राज्य में आरंभ हो जाएगी वर्षा। बालेश्वर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा वर्षा आरंभ हो जाएगी। बालेश्वर में वर्षा सांगकु पवन भी देखा मिली। आकाश में कलाहांडिया मेघ देखि लोकों भितर छनका पशि पवन जो होर्डिंग उड़ा आरंभ हो भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर में भी वर्षा देखा मिली। पुरी खोर्धा कटक जिलार विभिन्न स्थान में वर्षा हो बात्या मुकाबिला पाई राज्य सरकार का एक्शन प्लान। पांचटी जिला को जिबे टॉप ब्यूरोक्रेट। बात्या मुकाबिलार प्रस्तुति उद्धार कार्यर तदारख करिबे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। केन्द्रापड़ा जिला को जिबे हेमंत शर्मा। जगतसिंहपुर जिला दायित्व अछंति आईएएस शाश्वत मिश्र। भद्रक जिला को जिबे वरिष्ठ आईएएस वीवी जादव। बालेश्वर जिला को विशाल देव जिबे और मयूरभंज जिला को जिबे सुरेश वशिष्ठ। ट्वीट कर यह सूचना देछंति स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना। सेपटे बात्या को दृष्टि रखि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पांच जिलार दायित्व दि जाएगी। केन्द्रापड़ा दायित्व अच्छा डीआईजी जयनारायण पंकज। जगतसिंहपुर ऑपरेशन आईजी अमिताभ ठाकुर को दायित्व दि जाएगी। क्राइमब्रांच आईजी अमितेन्द्रनाथ सिन्हा को भद्रक और पूर्वांचल आईजी दीप्तेश पटनायक को बालेश्वर दायित्व मिली। मयूरभंज जिला दायित्व में गोइंदा डीआईजी अनिरुद्ध सिंह को रखाई। बात्या मुकाबिला क्षेत्र में जिला पुलिस को दिग्दर्शन देवे टॉप आईपीएस ऑफिसर। से ही बात्या मुकाबिलार सहायता पर पांच जिला को जिबे पांच वरिष्ठ जंत्री। आज संध्या पांचटा सुधा संपुक्त जिले में पहुंचा को पूर्त विभाग निर्देश रही। माननीय मुख्यमंत्री निर्देश गत दुई दिन में केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक जिला जा समीक्षा करी। इतिमध्यरे माननीय मुख्यमंत्री जिला प्रशासन एवं सरकारी विभाग सचिव मान सहित रिव्यू करी। माननीय मुख्यमंत्री निर्देश रे पांच जन सीनियर ऑफिसर सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर को पांचोटी जिला को रिलीफ रेस्क्यू प्रिपेयर्डनेस एवं रेस्पन्स कार्यर तदारख करने पठा जा। श्रीजुक्त हेमंत शर्मा को केन्द्रापड़ा जिला, शाश्वत मिश्र को जगत सिंहपुर जिला, वीर विक्रम यादव को भद्रक जिला, विशाल देव को बालेश्वर जिला एवं सुरेश वशिष्ठ को मयूरभंज जिला को पठा जा। सीनियर ऑफिसर माने जिलार विभिन्न संस्था विभिन्न विभाग मध्य समन्वय रक्षा कर उपयुक्त आगुआ पदक्षेप को सठिक भाव परिचालना करिवे एवं पोस्ट साइक्लोन रिस्टोरेशन एक्टिविटी को मध्य त्वरान्वित कराइबे। इतिमध्यरे राज्य सरकार 22 गोटी ओड्राफ टीम एनडीआरएफ टीम 50 रु ऊर्ध ओड्राफ टीम 175 टी फायर सर्विस टीम को मुतयन कर सारी। एवं गत काली आमे भारत सरकार को आउ 30 एनडीआरएफ टीम पठेबापी अनुरोध करूँ। आम अनुरोध अनुसार आज संध्या सुधा आम पाखे 30 गोटी अतिरिक्त एनडीआरएफ टीम आँचे। सो टोटल एनडीआरएफ टीम आम हम 52 एसडीआरएफ बा ओड्राफ टीम हम 50-60 एवं फायर टीम आम चेष्टा करूँ पाखापाखि 200 मुतयन करने। ता सहित 35 गोटी ट्री कटर टीम आम एथर नियोजित करिछु। ओडिशा रे पहुंचला एनडीआरएफ रो अतिरिक्त टीम। स्वतंत्र विमान रे आसी भुवनेश्वर रे पहुंची छंती एही टीम। गुवाहाटी रो आसी भुवनेश्वर रे पहुंची थिबा एही स्वतंत्र टीम रे छंती 150 जन जवान। बालेश्वर आखपाखरे बात्या लैंडफॉल करिवार आशंका रहिछि तेनु अधिक प्रभावित हेबाकु थिबा जिल्ला गुडकु टीम पठा जिवो बोली एनडीआरएफ डीजी कहिछंती। बा उत्तर ओडिशा रो कोनोसी जिल्ला रे लैंडफॉल हबो सेटा भी फाइनल हे गेलानी तोनो इंपैक्ट ही ओडिशा रे ही हबो। से अनुसार आगुरु जो 32 टीम मगाई ताऊपर आउ 20 टीम दरकार है। इनफैक्ट आगुरु 22 टीम ओरिजिनली थिला 22 टीम उपर 10 टीम एक्स्ट्रा मगाई ताऊपर आउ 20 टीम मगा है। टोटल 30 एक्स्ट्रा टीम मगा है।
एगुड़ाक ऑलरेडी आम प्रोसेस आरंभ हो लैंडफॉल लैंडिंग रे जामनगर रु टीम लैंड हो सारा गुवाहाटी रु टीम लैंड हो सारा पुणे रु भी लैंड हो सारा अन्यान्य टीम रोड रे बाय रोड भी आसुछन्ति टोटल 30 टीम आज लेट नाइट सुधा पहुंची जो मुतयन करने चाहिए सेठी आमे नियोजित हो काली दिन सुधा सबु टीम निज निज जगह धरी नबो ड्यूटी भी आरंभ कर दबो बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एथिपाय आमे प्रस्तुत होकर आसू आ प्रस्तुत प्रस्तुत एमती हो सब सरंजाम लेकर आसू आ दरकार पड़े आउ सरंजाम भी मगा हबो तेणु वी आर इन फॉर लॉन्ग हॉल जो कहते आम गोटे कामटू को थे आम नेला कंप्लीट करी लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सैटिस्फैक्शन जाए आम कंप्लीट करी लोकंर सुविधा नॉर्मल हो जाऊ सब प्रकार नॉर्मल लाइफ फेरी आसू सेटा हेला परे ही आमे सेठू डिपार्चर न वैक्सीन इजाद हो जाए वैक्सीन आम ऑलरेडी समस्ते समस्त को दुईटा डोज दे सारी तेणु कोई कर्मी बिना वैक्सीनेशन रे नहीं आ ता छड़ा मेडिकल प्रोटोकॉल आम स्वतंत्र तैयारी करछु डाक्टर मानू टीम सहित रखुचु बा गोटे कंट्रोल रूम रखु डिस्ट्रिक्ट सबु सबु टीम भितर गोटे कोर टीम आम मेडिकल कोर टीम रखीचु तीन टी चार कर्मी से मेडिसिन कैरी कर मेडिकल किट कैरी कर विभिन्न प्रिवेंटिव मेडिसिन कैरी कर प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी करेंगे तेणु कोविड को मुकाबला करने बात्या समय रे भी आम प्रस्तुत संभाव्य बात्या यश मुकाबिला केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन पक्षर जोरदार प्रस्तुति जिलापा विभिन्न तटवर्ती अंचल और बात्या आश्रयस्थल परिदर्शन करते जिले में 117 बात्या आश्रयस्थल और 410 स्कूल घर को आश्रयस्थल भाव व्यवहार करा प्रस्तुति शेष होटवर्ती अंचल 64 गांव लोक और कच्चा घर बसवास कर 80,000 अधिक लोक स्थानातरण हो जिले में 3 एनडीआरए 15 अग्निशम टीम प्रस्तुत थी ओड्राफ्र 2 टीम आज जोगदेव टीम केन्द्रापड़ा राजनगर और महाकालपड़े नियोजित होते हैं।